जिंदगी बिना टपोरी है टपोरी, 10,000 की नौकरी, न बीवी कुछ न परिवार, और ऊपर से इतना बड़ा कर्जा। कभी कभी तो दिल करता है ना खुदकुशी कर लूं, खुदकुशी। एक उपाय है मेरे पास, अभी बताओगे भी या मुहूर्त निकलवाए? अरे बताते हैं बे, पर काम बहुत रिस्क वाला है, पर काम के पूरे 25 लाख मिलेंगे। 25 लाख? अबे ऐसा वैसा काम तो नहीं है ना, ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे हम। अबे सोच लो, लाइन भी सेट हो जाएगी और लाइफ भी। नहीं नहीं नहीं, अबे सुनो तो गुरु, कौन सा बार बार करना है, एक ही बार तो करना है। चलो अच्छा बता काम क्या है। ओबरॉय होटल में एक विदेशी कंपनी आई है और उसके पास कीमती कोहिनूर हीरा है, तुम्हें बस उसे चुराना है और सही ठिकाने पे पहुंचा देना। हमें पुलिस नहीं ना पकड़ेगी? देख ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, वरना बचपन से लेके आ सकना मैंने कभी चोरी नहीं किया। अबे कुछ नहीं होगा बे, कल सुबह 10 बजे, ठीक है? चल ठीक है, तू कहता है तो करता हूँ, हमारा परिवार भी खुश हो जाएगा बहुत। पी दारू। दे मुन्ना भैया, एक कबूतर मिल गया है। अरे डन है मुन्ना भैया, परिवार की मजबूरी थी और आप तो जानते ही हैं, आदमी जितना भी कमा ले परिवार को कम ही लगता है। ठीक है मुन्ना, मार दे। कोई कुछ दे दो, बहुत दिनों से भूख लगी है मुझे, कुछ दे दो साहब, भगवान आपका भला करे, आपके बाल बच्चे सुखी रहे, आपके सभी काम हो जाए। कुछ दे देता हूँ, इसको देने से शायद मेरा काम आसान हो जाए। मुझे भूखे पे तरस खाओ साहब, मैं बहुत दिनों से भूखा। लीजिए बाबा। साहब साहब साहब, मेरा कुर्ता निकाल दीजिए साहब, बहुत ही जलन हो रही है, धूप लग रहा है। अच्छा काले, तुमको क्या लगता है हम भिखारी हैं? पुलिस वाले हैं हम। और तू, तू यहाँ ओबेरॉय होटल में आया था हीरा चोरी करने? नहीं साहब, नहीं साहब। इधर यहाँ जाता कहाँ है साहब? वो हीरा कितना कीमती है तुझे पता है? तेरे आने की खबर पुलिस वाले को बहुत पहले से लग चुकी थी। क्या? सलाम साहब। क्या खबर लाया है? खबर पक्की लाया है ना? अरे साहब, आपसे दोगुना पकड़ के हम कहाँ जाएंगे, और फिर आपका नमक खाया है, गोली थोड़ा ना खानी हमको। बहुत सही, चल जा, चल निकल। पुलिस वाले की आंखें उल्लू से भी तेज होती है, समझा? अब चल, तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा ताजी ताजी। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं परिवार वाला हूँ साहब, नहीं साहब। अबे परिवार वाले खड़े होते थे, यहाँ रह के तू करेगा क्या? तेरे सब साथी तो पहुंच चुके हैं जेल में, अब वहीं बैठ के प्लान बनाना, चल। नमस्कार, मैं प्रिंस अग्रवाल। आज के दौर में सच्चा मित्र मिलना बहुत मुश्किल है, और हाँ, हमारे देश में जितने भी परिवार हैं उस परिवार में एक मुखिया होता है जो कि हमारी जरूरतों को पूरा करता है। किसी की इनकम 10,000, 20,000 या 25,000 होती है, मगर हम दूसरों को देख के जीते हैं और इतनी इनकम से नाखुश रहते हैं। परिवार के साथ साथ पत्नी का नाखुश होना चिंता का विषय बन जाता है और इंसान रोहन की तरह कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। हमारे पास जितना है इंसान को उतने में खुश रहना चाहिए। समझाना हमारा काम, समझना आपका। नमस्कार।